इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। झांसी शहर के गौरवशाली इतिहास की कल्पना करना रानी लक्ष्मीबाई के बिना नामुमकिन है। इस शहर में मौजूद ऐसी कई इमारतें हैं जिनके साथ इस साहसी रानी के कई महत्वपूर्ण किस्से जुड़े हुए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा महल है जो उनका निवास स्थान हुआ करता था, जिसके बारे में आज भी अधिकांश सैलानी नावाकिफ हैं। झांसी के पुराने शहर के बीचों बीच स्थित है रानी महल। 6 हॉल और कुछ छोटे कमरों से भरपूर इस महल में रानी लक्ष्मीबाई सन 1853 से लेकर 1857 तक रही थी। झांसी किले और शीतला माता मंदिर के करीब स्थित इस महल का नाम रानी महल कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। सन 1769 में नेवालकर राज्य के संस्थापक रघुनाथ नेवालकर ने जब झांसी शहर में यहाँ के सूबेदार के तौर पर कदम रखा, तब उन्होंने यहाँ दो महलों का निर्माण किया, जो रघुनाथ महल और राजमहल थे। इसके बाद नेवालकर राज्य का झांसी में विस्तार हुआ। मगर 21 नवंबर सन 1853 में जब झांसी के महाराज गंगाधर राव का निधन हुआ, तब अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों का झांसी पर कब्जा हुआ और झांसी किला उनके अधीन हो गया। गंगाधर राव की धर्मपत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने मजबूरन किले को छोड़ा और फिर राजमहल उनका निवास स्थल बना। दिलचस्प बात यह है कि उनके यहाँ रहने की वजह से इस महल का नाम रानी महल रख दिया गया था। रानी महल में रहने के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव की परवरिश यहाँ 4 साल तक हुई। इस महल के पहले स्तर में मौजूद दरबार हॉल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये वही जगह है जहां सन 1854 में उन्होंने मशहूर अंग्रेजी वकील जॉन लैंग से मुलाकात की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी जंग के दौरान हुई एक मुलाकात के वक्त उन्होंने ये ऐतिहासिक शब्द कहे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने बागी सिपाहियों के साथ साथ तांतिया टोपे और अन्य क्रांतिकारी नेताओं के साथ इसी महल में अपने हमलों की योजनाएं बनाई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी युद्ध नीति और कुशलता से अपनी वीरता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई रानी महल को छोड़कर वापस झांसी किले में आई, जहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। सन 1858 में जब अंग्रेजों ने झांसी को फिर से कब्जा किया, तब उन्होंने शहर के साथ साथ रानी महल में भी लूटपाट की और इसके काफी हिस्सों को क्षतिग्रस्त किया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई कालपी होते हुए ग्वालियर गईं, जहां उन्होंने युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने रानी महल को उनकी कोतवाली में तब्दील किया। आगे चलकर सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इस महल को भारतीय पुरातत्व विभाग के तहत लाया गया, जहां आज मदनपुर और बरुआ सागर जैसे आसपास के क्षेत्रों में खोजे गए 9वीं से 12वीं शताब्दी के मूर्तियां देखे जा सकते हैं। रानी महल उस रानी की बहादुरी का प्रतीक है जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। मगर आज भी ये महल झांसी पधारने वाले ज्यादातर सैलानियों की जानकारी से परे है।